हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म के ही चैप्टर को आगे बढ़ाकर देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वन वीडियो में हमने डिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। अब मैं आपको डिजोल्यूशन के केस में ही पार्टनरशिप फर्म के थ्रू जब अपने अकाउंट्स को प्रॉपर मैनर में क्लोज किया जाने लग रहा है और अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जाने लग रहा है, उस केस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसका नाम रियलाइजेशन अकाउंट है, उसे क्लियर करके देने वाला हूँ। सो स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप आप मेरी हर एक बात को गौर से सुनिए जिससे आपको रियलाइजेशन अकाउंट अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जब भी कोई अकाउंट मेंटेन करना हो आपको उसकी फीचर के बारे में पता होना चाहिए। रियलाइजेशन अकाउंट आपका तीन अकाउंट में से एक अकाउंट को रिप्रेजेंट करने वाला है, सर रियल, सर नॉमिनल या पर्सनल। सर, यहाँ पर तो आपकी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी बोली गई है जो पर्सनल का पार्ट होता है। सर, यहाँ पर तो आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी भी है जो आपके रियल का पार्ट होता है। और सर, यहाँ पर आपके एक्सपेंडिचर्स को भी डिस्क्लोज किया जाने लग रहा है जो नॉमिनल को रिप्रेजेंट करते हैं। बट इन तीनों अकाउंट में आपका कौन सा अकाउंट रियलाइजेशन को कवर करेगा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट को कई पर्सन नॉमिनल अकाउंट में काउंट करते हैं तो कई इसे रियल अकाउंट में काउंट करते हैं क्योंकि इसमें एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में मोस्ट ऑफ बातें बोली गई हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। इसका सिर्फ एक ये रीजन है कि नॉमिनल अकाउंट में एट लास्ट आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट का भी लास्ट जो मोमेंट होगा वो कहां पे आकर रुकेगा, या तो प्रॉफिट पे या लॉस पे। किसी भी अकाउंट के थ्रू जब प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करके दिया जाता है तो उसे नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। दैट्स व्हाई आपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्या बोला, नॉमिनल अकाउंट, जिसमें जितनी भी आपकी बुरी बातें होती हैं वो डेबिट में और जितनी भी आपकी अच्छी बातें होती हैं वो क्रेडिट साइड में। कुछ यहाँ पर भी ऐसा देखने को मिलता है, आप जब किसी भी एसेट्स को बेचोगे तो अमाउंट आएगी, वो आपके लिए अच्छी बात है, वो क्रेडिट साइड में। जब आप लायबिलिटीज की पेमेंट करोगे या किसी भी टाइप के एक्सपेंडिचर की पेमेंट करोगे तो आपके अमाउंट आपके पास से जाएगी, वो बुरी बात है, उसको आप कहां पे दिखाओगे, डेबिट साइड में। समझ रहे हैं, इसी वजह से मैंने इसको नॉमिनल अकाउंट में काउंट किया। अब मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट दोनों पोर्शंस के सभी आइटम्स को क्लियर करके दूंगा और उनके पीछे के लॉजिक्स को समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपकी बैलेंस शीट में से सभी एसेट्स को उठाने वाले हो, वट एवर वो आपकी नॉन करंट एसेट्स हो या करंट एसेट्स हो। प्लस वन कॉमर्स से ही आप करंट और नॉन करंट के बिटवीन डिफरेंशिएट समझ चुके हैं। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें आप मोर देन वन ईयर के लिए परचेज करते हो, और शॉर्ट टर्म एसेट्स जिसको आप करंट एसेट्स बोलते हो वो आपकी लेस देन वन ईयर के लिए परचेज की जाती हैं। इट मीन्स जो विद इन वन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। पता है आपको करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेज एक्सेट्रा, ये सारे के सारे किसको कवर करती हैं, करंट। सर, नॉन करंट को टू पार्ट्स में डिवाइड करते थे, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। आपको बता दूं मैं, यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों ही एसेट्स को कंसिडर करने वाली है। समझ रहे हैं हम। सबसे पहले स्टूडेंट एक बात सुनिए, आप यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट की क्या करने जा रहे हैं, ओपनिंग, क्या करने जा रहे हैं, ओपनिंग। बट जो आपको यहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन होंगी उनकी आप क्या करेंगे, क्लोजिंग, वट एवर वो आपकी एसेट्स बोली गई हो या वो आपकी लायबिलिटीज बोली गई हो, आप इन दोनों की क्या करके देंगे मुझे, क्लोजिंग एंट्रीज। क्योंकि ओपनिंग एंट्री तो आप जब आपने इनके रिगार्डिंग फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट किए थे आप कर चुके थे, आपने एसेट्स को जब परचेज किया था
उस टाइम आपने एंट्री की थी एसेट्स अकाउंट डेबिट, अगर कैश है तो टू कैश और अगर क्रेडिट है तो टू वेंडर और क्रेडिटर, ये करते थे आप, ये एंट्री आप कर चुके थे। सर आप अपनी एसेट्स का डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट कर चुके थे, अब रियलाइजेशन में आप इसकी क्या करने जा रहे हैं, क्लोजिंग, क्योंकि मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ही डिजोल्यूशन के दौरान खत्म कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी की भी क्लोजिंग एंट्री होगी जब आपकी सारी बुक्स ही खत्म होने लग रही हैं, क्लियर है। तो आपने क्या एंट्री करी यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स व्हाटएवर, वो आपका फर्नीचर हो, वो मशीनरी हो, वो लैंड एंड बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी टाइप की आपकी करंट और नॉन करंट एसेट्स हो, आप क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू मोटर व्हीकल, टू लूज टूल्स, टू गुडविल। सर क्या बोला आपने, गुडविल, यस बेटा, आपका जो डिजोल्यूशन होता है वो गुडविल को भी रियलाइजेशन अकाउंट में कंसीडर करता है। सर जब हम क्या पढ़ रहे थे, एडमिशन और रिटायरमेंट, वहां पर तो हम गुडविल को क्या कर देते थे, हम वहां पर गुडविल को राइट ऑफ करते थे। हाँ जी बेटा, गुडविल को राइट ऑफ इसलिए किया जाता था क्योंकि वो एक्वायर्ड गुडविल होती थी जिसको आप विद इन 5 ईयर्स राइट ऑफ कर देते हो, ठीक है। बट अब आप क्या कर रहे हो, डिजोल्यूशन, आप अपने पूरे बिजनेस को ही क्या करने वाले हो, बंद करने वाले हो, तो आज तक की आपकी कमाई गई जो रेपुटेशन होगी उसे भी आप क्या कर दोगे, सेल आउट किसी अनदर बिजनेस को, किसी अनदर अंडरटेकिंग को, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर सर डेबिट साइड में आपकी गुडविल को भी कैलकुलेट किया जाएगा, किसमें सर, आपकी टोटल एसेट में, क्लियर है। बट आप तीन एसेट्स को यहां पर क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, किस किस को, कैश इन हैंड को, किस किस को, कैश एट बैंक को और नॉमिनल एसेट्स। सर कैश इन हैंड को क्यों कंसीडर नहीं करते, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को इसीलिए कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि ये ऑलरेडी लिक्विड सेंस में है, ये ऑलरेडी लिक्विड सेंस में है, ये ऑलरेडी लिक्विड कैश की फॉर्म में है, और आपका काम रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, एसेट्स को बिकवाने का और उसको कैश की फॉर्म में कन्वर्ट करवाने का। सर ये तो ऑलरेडी कैश में है, चलो सर ये मान लिया। सर आपने नॉमिनल एसेट्स, बेटा पहले आपको बता दूं नॉमिनल एसेट्स का दूसरा नाम फिक्टिशियस एसेट्स भी होता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो नाम मात्र की संपत्तियां, नाम नाम की। सर इसको आपने क्यों काउंट नहीं किया, बेटा इसको मैंने इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि नॉमिनल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिन्हें फर्दर कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने इसको भी आपका रियलाइजेशन का पार्ट नहीं बनाया। इस तीनों एसेट्स को आप सेपरेटली ट्रीट करने वाले हो, समझ रहे हैं। सर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का सेपरेट अकाउंट मेंटेन होगा और आपकी सभी नॉमिनल एसेट्स का जो ट्रीटमेंट होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू कवर अप किया जाएगा, इट मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नॉमिनल एसेट्स, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इन तीनों आइटम को आप एक्सक्लूडिंग जोन में भेज देते हैं, इनको छोड़कर आपकी जितनी भी एसेट्स होंगे उनको आप क्या कर दोगे, यहाँ पर क्लोज कर दोगे, रियलाइजेशन की ओपनिंग और इनकी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग हो जाएगी। आफ्टर दैट मैं बात करता हूँ लाइबिलिटीज की। सर जैसे आपने एसेट्स को ट्रीट किया, सिमिलर आप क्या करने वाले हो, लाइबिलिटीज। देखिए आपने लाइबिलिटीज की ओपनिंग एंट्री क्या की थी, हमने लाइबिलिटीज की ओपनिंग एंट्री की थी कभी फ्यूचर में टू क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक लोन एक्सेट्रा जो भी दे रखा है आपको, और यहां पर क्या एंट्री करी थी आपने, फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज करने की, तो क्या एंट्री करी थी आपने, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स और बीपी। सर ये क्या कर दिया आपने, लाइबिलिटी क्रिएट, और ये क्या बन गई सर आपकी ओपनिंग एंट्री। अब आप इनका इंपैक्ट खत्म करने जा रहे हो क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, डिजोल्यूशन, समाप्ति। आप इसको क्रेडिट से क्या कर देंगे, डेबिट, क्रेडिटर्स बीपी या कोई भी लाइबिलिटी डेबिट टू, आप कौन सा कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइ
जेशन अकाउंट, रिलैक्सेशन की ओपनिंग और इनकी क्या हो जाएगी क्लोजिंग। यहाँ पर सर क्रेडिट साइड में आप बाय लाइबिलिटीज लिखने वाले हो। लाइबिलिटीज में एक्सटर्नल, याद रखिएगा इंटरनल लाइबिलिटी नहीं, इंटरनल लाइबिलिटी का कनेक्शन डायरेक्टली पार्टनर्स के साथ होता है, इसलिए उसको रियलाइजेशन में कंसीडर नहीं किया जाता, वो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट के साथ कनेक्ट होने वाला है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एक्सटर्नल नॉन करेंट लाइबिलिटी और एक्सटर्नल करेंट लाइबिलिटी। एक्सटर्नल नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या आएगा सर, बैंक ओवरड्राफ्ट, सर बैंक लोन, पार्टनर्स रिलेटिव्स लोन। बोला था ना मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जब समझा रहा था, पार्टनर के रिलेटिव को भी थर्ड पार्टी में काउंट किया जाता है। और क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसके बाद प्रोविडेंट फंड, क्या आएगा प्रोविडेंट फंड। तो इस तरह के सभी आपके कंपोनेंट किसको कवर करते हैं, एक्सटर्नल नॉन करेंट लाइबिलिटी को। उसी तरह आपकी क्या आ जाएंगी, एक्सटर्नल करंट लाइबिलिटी लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक्सेट्रा। ये सभी के सभी किसको कवर करती हैं आपकी, यहाँ पे एक्सटर्नल करंट लाइबिलिटीज को। तो आपने इसकी भी क्लोजिंग कर दी एसेट्स की और आपने लाइबिलिटीज की भी क्लोजिंग कर दी। अब सुनिए, रियलाइजेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, रियलाइजेशन का हिंदी मीनिंग होता है वसूली। क्या होता है वसूली, और ये खाता क्या कहलाएगा, वसूली खाता। जैसे आपके गुड्डे लोग वसूली करते हैं ना हफ्ता वसूली, वैसे ही यहां पर क्या किया जाता है, एसेट्स को डिजोल्यूशन के दौरान सोल्ड आउट किया जाएगा और वहां से जो अमाउंट रियलाइज्ड होगी आपकी सभी लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दी जाएगी, जिससे फर्म अपनी सभी बोथरेशंस को खत्म कर सके। समझ रहे हैं, तो इसके लिए आप कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, आपने एसेट्स का कर दिया, आपने लाइबिलिटी का कर दिया। अब आपको यहाँ पर तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपको यहाँ एसेट्स के साथ एक आइटम गिवन होगा, इन्वेस्टमेंट। क्या गिवन होगा सर, इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आपको अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट गिवन है सर, उसके रिगार्डिंग आप स्पेसिफिक रिजर्व मेंटेन करते हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। याद आ रहा है बेटा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट पे होने वाली उतार चढ़ाव को कवर अप करने के लिए बनाया जाता है। अगर आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट गिवन है और लाइबिलिटी साइड में रिजर्व गिवन है, तो उसका इंपैक्ट आप रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में खत्म करने वाले हैं बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर सर सर, बट बाय चांस हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है और यहाँ पर आपको रिजर्व गिवन है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग भी आपको एंट्री बताई है। आप इसको कहाँ से निकालते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री की थी आपने ओपनिंग, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो डायरेक्टली आप इसकी क्लोजिंग एंट्री कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। सर ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा उस केस में, कैपिटल अकाउंट में। स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल में। अगर इन्वेस्टमेंट डेबिट में है तो क्रेडिट साइड में रिजर्व आएगा, अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब सुनिए, आपको क्वेश्चंस में क्या गिवन मिलेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कर के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होने पर जो आपको उन्हें कंपनसेशन देना पड़ता है, वो भी किसके शेयर में से निकलता है, आपके ओल्ड पार्टनर्स के शेयर से। क्या एंट्री करी थी आपने, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर अगर यहाँ पर भी कुछ मिसहैपनिंग ना हुई तो जो आप सोच रहे हो वही होगा, आप किसको दे दोगे, ओल्ड पार्टनर्स को, किस रेशियो में ओल्ड। क्या एंट्री करी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर है, बट सर अगर आपको यहां पर एडजस्टमेंट में, सुनिए एडजस्टमेंट में, अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ बोला जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट किसमें होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। सपोज करते हैं आपको बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस गिवन है, कितने का, 150 का, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग आपको पेमेंट कितने करनी आती है, 2 लाख। अगर यही टॉपिक आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन का होता, एडमिशन या रिटायरमेंट का, तो उस केस में आप क्या करते, 50,000 के इस लॉस को रिवैल्यूएशन में से कवर कर देते। बट अब आप डिजोल्यूशन पढ़ रहे हो, तो इस लॉस को कौन लेके आएंगे, पार्टनर्स लेके आएंगे। अगर आपको एडजस्टमेंट में WCR गिवन है, तो आप क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना बताया सर आपने,
1,50,000। सर बोले चाहे ना बोले, अब आपको क्या करनी है इसकी पेमेंट। मैंने क्या कर दी, टू बैंक WCR पेड। कितने की पेमेंट कर देंगे सर आप? 2 लाख। सर आपके पास पड़े तो 1.5 लाख थे, पेमेंट कर रहे हो 2 लाख के। यस बेटा, आपको 2 लाख इसलिए पे करने हैं क्योंकि आप डिजोल्यूशन के दौरान अपनी सभी एक्सटर्नल लाइबिलिटी का भार खत्म करने वाले हैं, इसलिए आपने ये पे कर दिया। ये 50,000 का लॉस आपके पार्टनर्स बियर करने वाले हैं, क्लियर है? ये था आपका WCR। अब सुनिए, आपको आपकी करंट एसेट्स में टॉपिक देखने को मिलेगा क्या, टू डेटर्स का। टू डेटर्स का, ठीक है जी। अगर आपको डेबिट साइड में टू डेटर्स मिलता है, उसके रिगार्डिंग जो आपको बैटर्स प्रोविजन बनाना होता है, वो आपने मेंटेन अगर कर रखा है, तो वो कहाँ चला जाएगा? ऑटोमेटिकली क्रेडिट साइड में, बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड एंड डाउटफुल डेट्स ये क्रेडिट साइड में आपको शो करना है एज इट इज। आपको यहां पर अगर फिक्स्ड एसेट्स के दौरान क्या देखने को मिलता है, इसके दौरान आपको अगर प्लांट एंड मशीनरी या कोई और फिक्स्ड एसेट्स देखने को मिलती है और उसके लिए आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन किया है, तो उसे भी आप क्रेडिट साइड में रिप्रेजेंट करने वाले हो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ रहे हैं स्टूडेंट? इट मीन्स मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपकी कोई भी रेलिवेंट एसेट्स है, वट एवर डाटा, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इसके रिगार्डिंग आपने कोई भी रिजर्व या प्रोविजन मेंटेन किया है, तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको छोड़ना है, क्योंकि एसेट्स अगर यहाँ पर आई है तो उसका प्रोविजन आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। और अगर सर कुछ भी गिवन नहीं है तो वो डायरेक्टली रिजर्व है, तो किसका पार्ट बन जाएंगे सर? आपके कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, ये सब काम करने के बाद आप अपनी सभी की सभी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। जितने में भी सेटलमेंट होती है, वट एवर 20,000 वाले की 17 में हो, 20 वाले की 22 में हो, आप सभी लाइबिलिटीज की पेमेंट कहाँ पे करने वाले हैं? डेबिट साइड में। सर इनकी पेमेंट करने के लिए आपने क्या किया? मैंने बोला रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो जो भी बुरी बातें होंगी वहां पे रियलाइजेशन क्या होगा? डेबिट, और अच्छी बातों में क्रेडिट। तो आपने क्या किया, आपने लाइबिलिटी की पेमेंट की, तो सर उसकी जर्नल एंट्री क्या बनाई आपने? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, लाइबिलिटीज पेड। ओके, एज इट इज आपने एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट की, तो आप क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, क्या कर देंगे ब्रैकेट में, एक्सपेंसेज पेड। ओके, तो इन दोनों केसेज में अब आपको क्या करनी है, लेजर पोस्टिंग, इसकी भी और इसकी भी। सर लेजर पोस्टिंग क्या बोलता है? जो जो अकाउंट आपका मेंटेन किया जा रहा है उसके डेबिट या क्रेडिट साइड में खुद का नाम तो आएगा नहीं सर, किसका नाम आएगा? अपोजिट पार्टी का। अपोजिट पार्टी कौन है? कैश और बैंक। तो मैंने क्या लिखा, टू बैंक लाइबिलिटीज पेड और टू बैंक एक्सपेंसिज पेड, क्लियर है? अब सुनिए, आप अपनी एसेट्स को क्या करेंगे, बेचेंगे, तो उससे पैसे आएंगे, अच्छी बात है। अच्छी बातों में रियलाइजेशन क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आपने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी? ये आ गया सर। रियलाइजेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, उसके अपोजिट कौन है, बैंक। बाय बैंक एसेट्स रियलाइज, क्लियर है? एक लास्ट पॉइंट जो आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेगा, वो मिलेगा क्वेश्चन में, जब एक पार्टनर एसेट्स और लायबिलिटी टेक ओवर करेगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी सीख के आ चुके हो, यहां पर भी सिमिलर है। जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से एसेट्स टेक ओवर करता है, तो एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, डेबिट। वो डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो पार्टनर जब कोई एसेट्स देगा, तो आप एंट्री करने वाले हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो आपका रियलाइजेशन इसमें क्या हो रहा है, क्रेडिट। उसके अपोजिट पार्टी कौन है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट्स टेकन।
एज इट इज वो लाइबिलिटी भी ले सकता है। अगर वो लाइबिलिटी लेगा तो उस केस में आप क्या कर देंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो गारंटी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन के केस में रियलाइजेशन क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड में क्या जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। क्लियर है? वट एवर वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड लाइबिलिटी ले, अपनी वाइफ का लोन ले, अपनी रिलेटिव का लोन ले, डजंट मैटर। इस तरह आप क्या करोगे, उन्हें डिस्क्लोज करोगे। और कैपिटल अकाउंट के इसे इस केस में क्रेडिट साइड में और उस केस में डेबिट साइड में आप दिखाओगे, जो मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के दौरान प्रूव करके देने वाला हूं। आपने मुझे बताया सर रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इट मींस एट लास्ट प्रॉफिट और लॉस निकलेगा डेफिनेटली। अगर आपका क्रेडिट पोर्शन डेबिट पोर्शन से ज्यादा निकला तो आपको रियलाइजेशन का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। बट कोइंसिडेंसली अगर आपका डेबिट पोर्शन क्रेडिट पोर्शन से ज्यादा मिला तो आपको रियलाइजेशन का लॉस देखने को मिलेगा, जो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में देखने को मिलता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और रियलाइजेशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री करवाऊंगा, और उसकी नेक्स्ट वन वीडियो में मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। आई होप सो आज की इस वीडियो से आपका रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।